09/07/2020 और सब्जेक्ट है हमारा क्लास है आपकी 10 टॉपिक है आपका एसिड बेस एंड सोल्ट आज का टॉपिक है हमारा हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस सॉल्यूशन ठीक है। हाँ एसिड और जो बेस है उसका हम पता कैसे लगाएंगे ठीक है। एसिड और जो बेस की जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है एच प्लस और ओ एच माइनस ठीक है। यदि एसिड है तो एच प्लस की स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए और यदि बेस है तो ओ एच माइनस की स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइन लिख देते हैं, यहाँ पे लाइन लिख देते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस depends on H plus and OH minus ion present in solution ठीक है। एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है डी स्ट्रेंथ, एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है बोलो एच प्लस और ओ एच माइनस आयंस ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड्स ऑन एच प्लस एंड ओ एच माइनस आयंस प्रेजेंट इन सोल्यूशन ठीक है। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि भाई कोई चीज एसिड है या बेस है ठीक है। हमने वहां पे देखा था लिटमस पेपर के द्वारा। अब यहाँ पे हम आज बात करेंगे नेचुरल इंडिकेटर होता है जिसको पीएच स्केल बोलते हैं ठीक है। पीएच पेपर भी होता है, पीएच स्केल भी होती है ठीक है। तो पीएच स्केल के द्वारा हम किसी भी कोई भी सब्सटेंस है उसकी एसिडिटी उसकी बेसिडिटी के बारे में हम पता कर सकते हैं कि कोई चीज एसिड है या बेस है। जो पीएच स्केल होती है पीएच पी का मतलब होता है पोटेंच, लैटिन भाषा के अंदर पी का मतलब होता है पोटेंच और पोटेंच का मतलब होता है पावर। तो हम इसको ऐसे ड्राइव कर सकते हैं कि पावर ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज पीएच। पावर ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन का पावर कितना है। यदि हाइड्रोजन का पावर ज्यादा है तो वहां पे वो एसिड है, यदि हाइड्रोजन का पावर यदि कम है तो वहां पे वो बेस है ठीक है। दो चीजें ध्यान रखना, यदि पावर हाइड्रोजन का ज्यादा है H+ ज्यादा दे रहा है तो वहां पे एसिड और जहां पे H+ कम है तो वहां पे बेस ठीक है। तो एक पीएच स्केल होता है जिसके द्वारा हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई चीज एसिड है या बेस है ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन लिखना आप यहां पे विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर वी कैन फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस स्ट्रेंथ ऑफ एंड एसिड और बेस दिस इंडिकेटर नोन एज पीएच ऐसे लिखना पी के ऊपर एच पीएच स्केल
ठीक है, विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल, विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर वी कैन फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड बेस. दिस इंडिकेटर नोन एज पीएच स्केल. इस इंडिकेटर को बेटा क्या बोलते हैं हम, पीएच स्केल बोलते हैं. पीएच स्केल इज ए यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है, जो इंडिकेशन करता है कि कोई चीज एसिड है या बेस है. ठीक है, हाँ, तुषार, तोमर, मोहित, ये सभी अपना वीडियो ऑन करें बेटा. सभी बच्चों ने कर रखा है, आप भी करो, अपना वीडियो विजिबल करें. तुषार, बबलू, ये अपना वीडियो विजिबल करें सभी. उसके बाद हम बात करते हैं पीएच स्केल की. ए स्केल फॉर मेजरिंग, तो यहाँ पे हम टॉपिक लगाते हैं पीएच स्केल. पीएच स्केल मेजरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन ध्यान रखना, पीएच स्केल को किसकी कंसंट्रेशन को मेजर करती है, हाइड्रोजन आयन की. ध्यान रखना, पीएच स्केल मेजरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, मतलब जो सॉल्यूशन है उसके अंदर हाइड्रोजन आयन है उसकी कंसंट्रेशन को कौन ड्रॉ करता है, कौन आइडेंटिफाई करता है, कौन मेजरिंग करता है, पीएच स्केल. ठीक है, उसके बाद पावर ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड पीएच स्केल. पोटेंस इन जर्मन मीनिंग पावर. यहाँ पे देखो पीएच है, पी का मतलब होता है पोटेंस इन जर्मन, और इसका मीनिंग होता है मीनिंग पावर. इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, पावर होता है. ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं पीएच स्केल की, पावर ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज पावर ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज पीएच स्केल. ठीक है, तो यहां पे दो डेफिनेशन निकल के आई, पीएच स्केल मेजरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन. यहां हम बोल सकते हैं कि पावर ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज पीएच स्केल. ठीक है, तो पीएच के अंदर पी का मतलब क्या होता है, पोटेंस. पी का मतलब क्या होता है, पोटेंस, और पोटेंस का मतलब होता है पावर, और पोटेंस किसका वर्ड है, जर्मन भाषा का वर्ड है. ठीक है, पोटेंस इज द वर्ड ऑफ जर्मन लैंग्वेज. ठीक है, जर्मन लैंग्वेज में पोटेंस का मतलब होता है पावर. ठीक है, मतलब पोटेंशियल, जैसे हम बोलते हैं यार उसमें अच्छा पोटेंशियल है. ठीक है, अच्छा मतलब उसके एक प्रकार से थकान नहीं होती है, बहुत काम करता है, उसका पोटेंशियल अच्छा है, पावर अच्छी है उसके अंदर. ठीक है, ये ध्यान रखना, मोदी जी के अंदर पावर अच्छी है, बहुत काम करते हैं, ऐसा कुछ होता है ना, इतने साल के हो गए है ना, ये सब चीज होती है. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं. ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे पीएच का, जो पीएच इंडिकेटर होता है उसके अंदर कहां से कहां तक वैल्यू होती है, जीरो से लेके 14 तक, जीरो से लेके 14 तक वैल्यू होती है. बीच में आता है 7, जीरो से 7 के बीच में, जीरो से 7 के बीच में, 7 नहीं, जीरो से 6.9 तक. ठीक है, तो वहां पे एसिडिक करेक्टर होगा, और 7 से जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो बेसिक करेक्टर होगा. और यदि जिसकी पीएच 7 है तो उसका मतलब क्या हुआ कि न्यूट्रल सबस्टांस है. वो कैसा सबस्टांस है, न्यूट्रल सबस्टांस है. इसका स्क्रीनशॉट ले, बात करते हैं आगे. सर फ्रॉम वेयर अपनी गोल्ड क्लासेस वीडियो, बेटा भी एप्लीकेशन आईडी बनाया है, उस पर वीडियो अपलोड नहीं हुए हैं, जैसे वीडियो अपलोड होंगे तो आपको सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा. ठीक है,
आपकी एप्लीकेशन आईडी बनाई जाएगी, आपको पासवर्ड दिया जाएगा, उसके बाद आपको वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है? उसकी प्रोसेस है, वो चल रही है अभी। अब देखिए प्यारे बच्चों, उसके बाद एक दो तीन लाइन और लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है? इसको मैं साफ कर देता हूं। This scale measure from 0 to 40. This scale measure. आपकी वीडियो में क्या-क्या कमी थी? कल रात को नहीं मिला, सच किया था, आपने क्या-क्या कमी थी? एक तो वहाँ मतलब ये देखो, ये दिख रहा है ना वीडियो चलने से पहले, जैसे ये दिख रहा है स्टार्ट वीडियो, स्टार्ट वीडियो क्रॉस करके फिर आप जा रहे हो, तो आप अच्छा पूरा बोर्ड अपना क्लीन किया करो, जैसे आपने लिख दिया ना पूरा साइंस वाइंस सब कुछ, ऐसे लिख करके फिर स्टार्ट करवाया करो उसको। वो वीडियो है ना आपकी 40 मिनट की हो रही है ना, तो 25 मिनट 20 मिनट पे जा रही है, आधी काट काट के फिर कम करना पड़ता है ना, कोई सेंस नहीं निकल रहा आपका, बेनिफिट नहीं हो रहा उसमें आप, ठीक है? कई बार आपको माइक गिर जाता है, तो माइक को लगाने लग जाते हैं, माइक गिर जाता है नीचे, अभी पता नहीं कैसा है, तो इसमें देखो आपको जीरो, जीरो का मतलब होता है वेरी एसिडिक, जीरो टू फोर्टीन, फोर्टीन का मतलब होता है वेरी बेसिक, वेरी बेसिक लगा लो या मोर बेसिक लगा लो, मोर बेसिक। तो जो पीएच स्केल होता है वो मेजर कहां से करता है, जीरो से लेके 14 तक मेजर करता है, ठीक है? जीरो का मतलब हो गया वो बहुत ही एसिडिक है, 14 का मतलब क्या हो गया वो मोर क्या है, बेसिक है, ठीक है? नेक्स्ट लाइन है आपको लिखनी है, द पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7, द पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सोल्यूशन इज 7, ठीक है? मोर बेसिक भी बोल सकते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं वेरी एल्केलाइन, एल्केलाइन का मतलब वही होता है वेरी एल्केलाइन, एल्केलाइन एल्केलाइन होता है ना, एल्केलाइन में किसको बोलते हैं, बेस को बोलते हैं, ठीक है? एल्केलाइन जो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाए, ऐसा जो बेस जो पानी के अंदर डिजोल्व हो गया वो कैसा हो गया, एल्केली हो गया, बताया था मैंने, तो इनको बोलते हैं मोर बेसिक बोल सकते हो या वेरी एल्केलाइन बोल सकते हो, ठीक है? द पीएच उसके बाद बात की मैंने, द पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसकी पीएच कितनी होती है, 7 होती है, कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है? जैसे एग्जांपल हो गया वाटर, जो वाटर होती है उसकी पीएच कितनी होती है, 7 होती है, मतलब वाटर कैसा है, न्यूट्रल सब्सटेंस, वाटर इज ए न्यूट्रल सब्सटेंस, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की, वैल्यूज लेस देन 7 ऑन द पीएच स्केल रिप्रेजेंट ऑन एसिडिक सॉल्यूशन, वैल्यूज यदि वैल्यू 7 से क्या है, कम है, If value on pH scale, if value on pH scale is less than 7, that means solution have acidic nature. ऐसे नेचर होगी उसकी, एसिडिक नेचर। उसके बाद देखना,
इफ वैल्यू ऑन पीएच स्केल, इफ वैल्यू ऑन पीएच स्केल इज मोर देन 7, दैट मींस सॉल्यूशन हैव बेस सिग्नेचर, या इसको बोलते हैं हम एल्किलाइन नेचर, ठीक है। ये दो तीन पॉइंट है, ये ध्यान रखना। यदि पीएच की वैल्यू लेस देन 7 है तो वो कैसा है? एसिडिक, एसिडिक नेचर है उसकी। यदि वैल्यू पीएच की मोर देन 7 है तो वो कैसा है? बेसिक नेचर या एल्किलाइन नेचर, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है आपको याद रखने, ठीक है। हाँ, तुषार यादव क्या बोल रहे हैं? सर सोइल का पीएच, अच्छा सोइल का पीएच बेटा एसिडिक होता है एक प्रकार से। यदि एसिडिक न्यूट्रल रखना पड़ता है उसको, यदि एसिडिक है तो उसके अंदर हम उसका लैब के अंदर टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। ज्यादा एसिडिक भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा बेसिक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सोइल का टेस्ट होता है। उसके बाद एज द पीएच वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम 7 टू 14 इट रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन बेस ओएच आयंस कंसंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। If the pH value, ये पॉइंट को लिख लेना, if the pH value increase 7 to 14, that means concentration of OH ions will be increased. OH ions will be increased. And solution show basic nature. यदि मतलब पीएच की वैल्यू 7 से 14 तक क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो किसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है? ओएच माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। यदि पीएच वैल्यू 7 से 0 तक जा रही है तो किसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है? एच प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। यदि एच प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो एसिडिक शो कर रहा है। यदि एच प्लस की कंसंट्रेशन कम होगी तो मतलब क्या है? वो बेसिक शो कर रहा है। यदि ओएच की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तब भी क्या शो करेगा? वो बेसिक नेचर शो करेगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम बात करते हैं आगे, ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं आगे। पीएच स्केल बनाते हैं जिसके द्वारा हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पे एच प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, कहाँ पे ओएच की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, कहाँ पे एच प्लस की कंसंट्रेशन कम हो रही है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पे डायग्राम बना लेना आप। ये बुक के अंदर दे रखा है और यहाँ पे हम 0 मानते हैं और यहाँ पे हम 14 मानते हैं और यहाँ पे इसका मिड देख लेना ये, ठीक है। और ये यहाँ पे 7 है और ये यहाँ पे दिखा देना ऐसे, ठीक है।
उसके बाद ऐसे डॉट डॉट बना देना, यहाँ पे दिखा देना एच प्लस और यहाँ पे दिखा देना ओ एच माइनस, ठीक है, और यहाँ पे दिखा देना इंक्रीजिंग एच प्लस कंसंट्रेशन, और यहाँ पे दिखा देना डिक्रीजिंग H plus concentration, ठीक है, और उसके बाद दिखा देना increasing H plus ion concentration और यहाँ पे decreasing H plus ion concentration, basic nature increasing और acidic nature increasing, यहाँ पे दिखा देना acidic nature increasing, और यहां पे दिखा देना basic nature increasing, basic nature increasing, देखो समझो इसको कैसे बनाया, ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स बनाया हमने के पीएचएस के लिए, इसमें हमने क्या किया कि यहाँ पे 0 से लेके इसको 14 और बीच में हमने क्या लगा दिया 7, 7 का मतलब ये होगा कि 7 का मतलब तो न्यूट्रल है, यदि हम 7 से 0 की तरफ जाएंगे मतलब 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो H प्लस की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी, तो मैंने लिखा है इंक्रीजिंग H प्लस कंसंट्रेशन, और यदि हम 7 से लेके 14 तक जाएंगे तो डिक्रीजिंग H प्लस कंसंट्रेशन, मतलब यदि यहां पे ये भी बोल सकते हैं इंक्रीजिंग OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, लेकिन pH का मतलब तो होता है H प्लस से, pH का मतलब क्या होता है H प्लस से, तो हम यहां पे H प्लस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे डिक्रीजिंग H प्लस कंसंट्रेशन, यहां पे एच प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, यदि हम 7 से लेके 14 तक जाएंगे तो एच प्लस की कंसंट्रेशन कम होगी, यदि 7 से लेके 0 तक जाएंगे तो एच प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, यदि एच प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो एसिडिक नेचर भी क्या होगी, बढ़ेगी, तो यहाँ पे देखो एसिडिक नेचर इंक्रीजिंग, और यहाँ पे यदि कम हो रही है एच प्लस की कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ बेसिक नेचर इंक्रीजिंग, ठीक है, ये आपको बनाना है। सर प्लीज स्पीक लाउडली, यार मेरा तो गला दुख रहा है, तो बोल रहा है लाउडली लाउडली, हाँ कितने जोर से बोल रहा हूँ मैं, पास में और क्लास चल रही है डिस्टर्ब होंगे ज्यादा बोलेंगे, पास में क्लास हो रही है, ठीक है, दूसरे टीचर पढ़ा रहे हैं, स्किप शॉर्ट लिस्ट का अब हम बात करते हैं, 0 से लेके 14 तक बनाना आपको उसके अंदर शो करना है, ये टेप बुक के अंदर बनी हुई है, ठीक है, 0 से लेके 14 तक 1 नंबर पे आ रहा है गैस्ट्रिक जूस, इसकी पीएच होती है 2.2, सभी अपने बुक्स के अंदर देख ले, बुक्स है सभी के पास, सभी के पास बुक्स है क्या, बुक्स निकाल ले सभी अपनी, अक्षिता बोल रही है यस, जिया नहीं बोल रही, मोनिका, कृतिका, साक्षी सिंह बुक है, हाँ देखो इसके अंदर एक टेबल और एक एक पीएच पेपर बना हुआ है, पीएच पेपर, पीएच पेपर का रंग कहीं पे ग्रीन हो रहा है, कहीं पे थोड़ा येलो हो रहा है, कहीं पे ऑरेंज हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे इसमें आप ये जो बनाया ना उसके नीचे दे रखा है, ये जो डायग्राम बनाया है उसी के नीचे बनाया हुआ है, ठीक है, तो उसमें देखो 0 से लेके 14 तक है, 0 से लेके 14 तक का मतलब जैसे 7 पे, 7 का मतलब हो गया प्योर वाटर, कि पानी है प्योर वाटर है, उसका जो पीएच है वो कितना होता है 7, 7 का मतलब क्या हुआ वो कैसा है न्यूट्रल है, ठीक है, अब यदि हम 7 से 0 की तरफ आते हैं तो इसमें देखो 1 नंबर पे आ रहा है गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस का पीएच होता है, गैस्ट्रिक जूस जो होता है ना उसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है उसकी पीएच बहुत कम होती है, ठीक है 1.2 के लगभग होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एसिडिक नेचर शो कर रहा है, ठीक है। हाँ, उसके बाद लेमन जूस होता है, लेमन जूस होता है, उसकी पीएच 2.2 होती है। कितनी होती है लेमन जूस की पीएच? 2.2, मतलब वो भी कैसा है, एसिडिक है। मतलब मैं लिखूं, मैं बोलूं 5, 5 का मतलब क्या हुआ, एसिडिक है बेसिक, बोलो एसिडिक, ठीक है। 7.4 वाटर, अरे 7.4 तो बेटा ब्लड की होती है अपने, ठीक है 7.4 होती है अपने ब्लड की, और 6.8 होती है अपने लार की, ठीक है ध्यान रखना। हाँ, उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं MgOH2, अभी पढ़ेंगे हम इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इसका, ये एंटासिडिक रूप में काम आता है, किसी के पेट में एसिडिटी हो जाती है तो वहां पे हम जो यूज करते हैं वो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको बोलते हैं MgOH2, और इसकी जो पीएच होती है वो कितनी होती है, 10 होती है, कितनी होती है 10 होती है, मतलब क्या हुआ कि ये बेसिक है, क्या है ये बेसिक है। अच्छा जी, एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो साबुन होता है ना कपड़े धोने का साबुन होता है उसके अंदर इसका काम होता है, और जो NaOH होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH क्या है स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। और इसकी पीएच होती है 14, कितनी पीएच होती है इसकी 14, इसका मतलब क्या हुआ कि ये बहुत ही क्या है एल्केलाइन है, बहुत ही क्या है बेसिक है, ठीक है। हाँ, उसके बाद आपके टेबल 2.2 दे रखी है, सभी टेबल 2.2 निकालें, इसको मैं भरवाता हूं, ठीक है टेबल 2.2 निकाले सभी पेंसिल से, आप उसे भर ले, ठीक है मैं यहां पे बना देता हूं उसको, 10 मिनट बची हैं, इसमें ये मुझे बनानी है और आपको भी बनानी है। यहां पे देखो, एक तो है सीरियल नंबर, एक है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन थोड़ा लेना पड़ा, उसके बाद है कलर ओ पीएच पेपर, पेपर का कलर कैसा होता है, उसके बाद अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू बोलते हैं इसको, कितनी अभी अप्रोक्सीमेट है, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ सब्सटेंस, ये तो आप आराम से भर दोगे, खुद ही भर दोगे, नेचर ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। देखो पहले नंबर पे आता है सैलाइवा, लाल होती है ना सैलाइवा, बिफोर मील, जब खाना खाते हैं उससे पहले की बात है, बिफोर मील, खाना खाने से पहले, खाना खाने से पहले जब इसकी पीएच होती है 7.4, कितनी होती है 7.4, और जो पीएच पेपर होता है उसका कलर आता है ग्रीन, कैसा आता है ग्रीन, इसका मतलब क्या हुआ, ये स्लाइटली क्या है स्लाइटली बेसिक है, 7 से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, 0.4 जा रहा है, तो मतलब हल्का बेसिक है, ठीक है। तो यहां पे लिख सकते हैं स्लाइटली बेसिक, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है सैलाइवाई, और ब्रैकेट में है आफ्टर मील, खाना खाते हैं उसके बाद में, तो इसका कलर होता है येलो ग्रीन, येलो ग्रीन भर लेना, और इसकी पीएच आती है 5.8, कहने का मतलब जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह की पीएच क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो यहाँ पे ऐसे थे। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है लेमन जूस, लेमन जूस, लेमन जूस का डार्क ऑरेंज, और इसकी पीएच होती है 2.2 से 2.4, इसका मतलब क्या हुआ एसिडिक ही है, ठीक है। उसके बाद आता है कलरलेस एरेटेड ड्रिंक, जिसमें CO2 होती है, ठीक है, इसका होता है लाइम ग्रीन, लाइम ग्रीन, और इसका आता है 6, और ये एसिडिक है, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर पे आता है कैरेट जूस, जो गाजर का जूस होता है, इसका होता है येलो और ग्रीन, और इसकी पीएच होती है 5 से लेके 6 तक, मतलब क्या है एसिडिक है।
उसके बाद सिक्स नंबर पे आता है कॉफी जो पीते हैं, COFFEE, कॉफी इसका नाम होता है कॉफी अरेबिका, कॉफी है जो बीजों से तैयार होती है, ध्यान रखना, और चाय की पत्ती पत्तियों से तैयार होती है, ये पांच नंबर पे, और ये भी कैसा हो गया एसिडिक, इसकी पेज पांच होती है। सेवन नंबर पे, सेवन नंबर पे आता है टोमेटो जूस, टोमेटो जूस येलो विस अरेंज, येलो विस ऑरेंज, येलो विस ऑरेंज, ठीक है। और यहाँ पे इसका आता है 4.1, और ये भी कैसा हो गया 4.1 का मतलब ऐसे नहीं कि खुद भर सकते हो आप। उसके बाद एट नंबर पे आता है टैप वाटर, नल का पानी, टैप वाटर मतलब नो चेंज कलर, कलर चेंज नहीं होता है क्योंकि इसका पीएच 7 होता है, 7 का मतलब हो गया न्यूट्रल, 7 का मतलब हो गया न्यूट्रल। 9 नंबर पे आता है वन मोर NaOH, N का मतलब होता है मोल, वन मोल NaOH, और इसका होता है पर्पल ब्लू, इसका पीएच होता है 13 से लेके 14 तक, 13 से 14 का मतलब हो गया एक स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिक, स्ट्रॉन्गेस्ट एल्किलाइन। 10 नंबर पे आता है आपका वन मोल HCl, वन मोल HCl का कलर होता है रेड, कैसा होता है रेड, लिटमस पेपर का जो ये कलर और पीएच पेपर उसका कलर आता है रेड, और इसकी पीएच आती है कितनी 0 से लेके 1 तक, 0 से 1 का मतलब हो गया बहुत ही क्या है ये एसिडिक है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिक। स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है ये एसिडिक, ठीक है। तो ये टेबल आपको क्या करनी है, लर्न करनी है, ये आपको सॉल्यूशन दे रखा है, ये उसका पीएच जो पेपर होता है, पीएच पेपर के द्वारा हम पीएच वैल्यू को देखते हैं कि कैसा कलर आ रहा है, जैसे हमने लिटमस पेपर देखा था ना, लिटमस पेपर एक ब्लू कलर का था एक रेड कलर का था, ठीक उसी प्रकार एक पीएच पेपर होता है, ठीक है, उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के कलर आते हैं, यदि सैलाइवा को हम डिप करेंगे तो ग्रीन कलर आएगा, उसकी पीएच कितनी होती है 7.4, और ये कैसा होता है बेसिक होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको एसिड इज ए गुड और बेस गुड फॉर आवर हेल्थ, बेटर ना तो ज्यादा एसिड अच्छा है और ना ज्यादा बेस अच्छा है, ठीक है, न्यूट्रल अच्छे होते हैं प्रकार से, एसिड ज्यादा खा लेते हैं तब भी नुकसान, अब बेस को तो खा ही नहीं सकते, बेस को खा सकते हैं क्या, खा ही नहीं सकते बेस को तो। हाँ कॉफी देखो, कॉफी का है, कॉफी का पीएच 5 होता है एसिडिक, यदि हम ज्यादा पीकर खा लेते हैं अचार खा लेते हैं, ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे, आगे आएगा इंपोर्टेंस ऑफ पीएच, इंपोर्टेंस ऑफ पीएच, हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, वहां सोइल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, हमारे जो दांत होते हैं टीथ टूथ डीकिंग होता है, यदि पीएच वैल्यू कम हो जाए हमारे दांतों के अंदर, यदि हम रात को ब्रश करके ना सोए कूलर करके ना सोए तो उस समय हमारे पीएच वैल्यू कम हो जाती है जिससे हमारे दांत है वो खराब होने लगते हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, इंपोर्टेंस ऑफ पीएच। उसके बाद और सारे सेमेस्टर्स आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है ये, ठीक है। हाँ भाई सर कौन सा कर रहा है ये परसों इंसान, हाँ ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले आप, ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, Right.